गाइस मेरे पापा आ चुके हैं घर पे, तो मम्मी ने बिरयानी बनाया है, तो मम्मी सबको सर्व करके दे रही है। भाई गया है घूमने। देखिए इसके लिए वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा तबीयत खराब चल रहा है, ये पैर का तकलीफ चल रहा है, एक सर्व सर्व करा के देखते हैं इसमें क्या हुआ है, इसी के लिए नहीं आ रहा। मम्मी के लिए एक है और मेरे लिए है। तो हम मार्केट गए थे तो ये सब वेसल दिखे मम्मी को, तो बहुत सारे अच्छे थे। ये रामेन बाउल था तो मुझे अच्छा लगा, तो मम्मी को बोला कि ले लीजिए। और ये एक ट्रे भी थी और एक ये भी बाउल था, इसका डिज़ाइन मुझे उतना खास नहीं लगा। और समा भी है इधर, देखिए पूरा मार्केट ऐसे भरा पड़ा है। और रात का टाइम हो चुका है ना, तो सब लाइट चला है तो थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। और देखिए कुर्ती है तो समार में, और आराम है जो आंवला खा रहा है, और मेरी मम्मी और मैं मार्केट में घूम रहे हैं। तो इधर मैं आइसक्रीम लेने आई थी तो अंकल फालूदा बना रहे थे तो उन्होंने दिया मुझे। फिर हम लोग ग्रोसरी शॉप पे गए और ये इयररिंग मैंने लिए थे मार्केट से, और ये बटर है अभी लेके आ चुके हैं हम लोग घर पर। और ये गाय का दूध है, गोविंद काउ मिल्क। और जो हम लोगों ने ये ख़रीदा था बाउल, उसकी पीछे का है बैक साइड। और ये अपना बैगन है, और ये है भिंडी और लौकी, बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही थी। और ये ब्राउन ब्रेड, ये हेल्दी होता है खाने में। मैंने ब्रेड बटर टिफिन मुझे बना के दी हैं, और ये तो ब्रेकफास्ट में है और बहुत सारे बनाए हैं तो टिफिन में। देखिए दोस्तों मच्छी फ्राई हो चुका है, और इधर देखिए रस्ता फ्राई का, यहाँ मच्छी फ्राई हो चुका है, मसाला भून रहे, अभी रस्ता लगा के आपको दिखा रहे हैं। पापा घर पे है ना, इधर गाड़ी अभी चल रहा है तो इधर ही आ जा रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। एकर एडमिशन हो गया, अब तब चेंज कैसे करी जाए, एकर स्कूल आई जे बा गांव में। गाइस मम्मी गैस लेके आई है खरीद कर नया, तो ये 3000 का है। गाइस देखिए हमारा जो गैस न्यू लाया था, इसे मम्मी ने इसे रख दिया है जहाँ हमारा पुराना गैस था। तो इसके पास 3 गैस है, तो मम्मी को दिक्कत होता था, 2 था मतलब पकाने के लिए गैस का स्टोव, तो अभी 3 है तो आसानी रहेगा उनको। अभी मम्मी जा रही है खिचड़ी बनाने इस गैस पर। कितना दिन से दर्द चल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, दवा खाना गए थे वापस आए, डॉक्टर आज नहीं मिला है, फिर कल जाएंगे, फिर दूसरे डॉक्टर के घर दवा दिया है, 4-5 दवा दिया है खाने पे, मेरे को होश नहीं रहता है, मैं पड़ी रहती हूँ, मेरा आँख नहीं खुलता है, दवा खाने को भी मन नहीं करता है, पलटी पलटी आ रहा है, अब ये लोग बना भी नहीं पा रहे, और नया चूल्हा आया उस पर मीठा कुछ बनाना चाहिए, मेरे से हो ही नहीं रहा है, अभी चल रहा है थोड़ा सा दवा खा के आराम मिल रहा है, तो थोड़ा सा फिर नहीं उस पर बना देंगे, इन लोग का खिचड़ी बना देंगे और सोएंगे, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है हमको। गाइस मम्मी ने फिर नहीं बनाया है और उसे सर्व किया यही कटोरी में जो ख़रीदा था हम लोग ने मार्केट से। क्या है दोस्तों, एक बार माँ बीमार पड़ जाना तो बच्चा लोग भी पड़ जाते हैं, आज तो पापा इतना टेंशन ले लेते हैं, मेरा तबीयत खराब होता है तो आए थे सुबह में सब पार्सल और सब ले के इन लोग के आए, केला खाना, मैं नाश्ता फिर बनाई, हमको बनाने भी नहीं देते, काम भी नहीं करने देते, दवा खाना बोले जितना जल्दी जाओ जितना जल्दी अच्छा हो जाओ, अब माँ ना रहे ना तो बच्चा लोग एकदम बिखर जाते, एक दिन में बिखर जाते हैं दोस्तों। गाइस देखिए मम्मी ने खिचड़ी बना दिया है, गाइस खाने में बनी है मिक्स सब्जी। गाइस मम्मी के दांत में बहुत दर्द है, अभी बोल नहीं पा रही हैं, वो एकदम मुंह बंद करके रखी हैं, डॉक्टर के पास गए थे हम लोग तो उन्होंने दवाई दी है बहुत सारी, और बोला है कि आराम करने के लिए, फिर भी दर्द नहीं हट रहा है। और दांत का ट्रीटमेंट भी किए हैं थोड़ा सा,